सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों, आज राहुल टिफिन लेकर नहीं गया? शरद राव ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, मैं दे आता हूँ। शरद राव ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पा बाई ने राहत की सांस ली। शरद राव तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पा बाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। नहीं तो ये हमारे पापा, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तेरे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्च भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की जमीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही, ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई? क्या उपयोग हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं, कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए पुष्पा भाई की आंखें भर आईं। क्या बताएं अपने जन्म दिए पुत्र को कि बाप ने क्या किया मेरे लिए, पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रख। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक हैं, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशंस ली, यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आज के क्लासेस वालों को देखो, इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का तत्व था ज्ञान दान का, पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बनते आएगा, पड़े हैं धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो शरद राव खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना? इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, परंतु शरद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह वाद वहीं खत्म हो गया। ये था पुष्पा बाई और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरद राव ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, साहब आए हुए हैं, गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में ही रहिए, चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। शरद राव थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे, आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पांवों में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद राव वहीं एक तप्त पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़ा देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नजर शरद राव की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा। बुलवाइए उनको। जो नहीं होना था वही हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज देने पर शरद राव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर है ना, डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे? हाँ।
आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने से पहले ही चेयरमैन साहब ने शरद राव के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं अतिश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हो आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर शरद राव ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैं ही बाहर रुक गया। ओके ओके। चेयरमैन साहब ने शरद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में लेकर गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, शरद राव सक पकाते हुए बोले। सर, आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है, तब पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती से उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा पवार सर, जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। राहुल और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था, जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वो सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़े अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर वह घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई, तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी गणित विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो अब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं तो मैं व्यग्र हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई, मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेहनत लगाकर मैंने सबको चौंका दिया था। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी, जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़ लेकर गया था। पिताजी ने सर को 1,00,000 रुपए का चेक दिया, सर ने वो नहीं दिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है, मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही बैठी हुई उन्हें मेरिट में आया। बाद में बीए करने के बाद अमेरिका जाकर बस किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर ने तो ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रुपुर से पूछे, परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञान नाम का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उन्हें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वह सर मान गए आपको और आपके आदर्श को, शरद राव की ओर देखकर जीएम ने कहा। अरे सर, यह व्यक्ति तत्वनिष्ठ है, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं है,
विद्यार्थी का भला हो यही एकमात्र उद्देश्य था, श्रीमन बोली। मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय दुखी रहेंगे पर अनाज में मिलावट करके नहीं बेचेंगे। ये उनके तत्व थे, जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक मैं कुछ भी नहीं बोला, फिर चेयर में मैंने शरद राव से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहता है सर, शरद राव के बदले राहुल ने ही उत्तर दिया। पिताजी के प्रत्यक्ष भी नाराज थे, लेकिन चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। आज मैं आपको एक विषय दे रहा हूँ, किसी शहर में मैंने कुछ प्लैट कर रखे हैं, उसने कहा कि 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ। कुछ बोल रहे गाड़ी पर लगाई।